हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में इससे पहले जो मैंने फ़र्स्ट वीडियो डाला था उसमें हमने डिस्कस किया था मॉडल फंक्शंस के इंट्रोडक्शन पार्ट को उसमें आपको ये बताया गया था कि मॉडल फंक्शन क्या होता है उसके ग्राफ कैसे स्केच कर सकते हैं उसके जोमेट्रिकल और ग्राफिकल मीनिंग क्या क्या होते हैं ठीक है थेके? तो आपको जो स्टार्ट में करता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को मैंने यहाँ लिखा है कि जैसे कि रिकैप हो जाए पिछले वाली वीडियो में मैंने क्या किया हुआ था सो वाई इक्वल्स टू मॉडल सफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वैन इवर एक्स इज पॉजिटिव एंड इक्वल टू जीरो एंड इट इज माइनस एक्स वैन एक्स इज लेस देन जीरो ओके एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड इज मैक्सिम ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड इज रूट अंडर एक्स स्क्वेयर सो दीज आर थ्री पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स एंड द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज लाइक भी सेप इट इज़ वैन एक्स इज निगेटिव इट इज वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड वैन यूवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इट इज वाई इक्वल्स टू एक्स एंड सिंस इफ यू पुट हीयर एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई बिकम्स जीरो दैट्स वाई दिस फंक्शन वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स विल पासिस थ्रू द ओरिजिन बिकॉज एक्स वन एक्स जीरो एंड वाई जीरो विल सेटिस्फाई दिस फंक्शन ओके तो प्रॉपर्टीज पर चर्चा करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास बहुत, बहुत सारे नंबर्स हैं बहुत सारे फंक्शंस भी हो सकते हैं नंबर्स भी हो सकते हैं सो इफ एक्स वन एक्स टू टू एक्सन इज द मंबर ऑफ रियल नंबर राइट देन अभी क्या करो इसको सबको प्रोडक्ट करो इसका प्रोडक्ट जो होगा अगर आप उसमें मॉड लगाओगे ना तो अलग अलग मॉड बन के आ जाएगा प्रोडक्ट में ठीक है मॉड ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय समथिंग एंड मॉड ऑफ दिस ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर Uh, सारे प्रोडक्ट्स में एक साथ मोड लगाया जाए तो जब वो मोड से बाहर आता है तो अलग अलग मोड में बायफर्केट होकर आता है ठीक है तो ये एक अच्छी सी प्रॉपर्टी है जिसके एग्जाम्पल देखो अगर छोटा स्केल पर देखा जाए तो एक्स वाई का मोड अगर करेंगे तो मोड एक्स इंटू एक्स मॉड एफ वाई हो जाएगा अगर थ्री नंबर हैं तो एक्स वाई जेड का मोड करेंगे तो मोड एक्स मोड वाई मोड जेड ठीक है ये बिल्कुल सिंपल बात है इसी तरह से अगर हम डिवीजन के केस में करें मतलब जब क्वेश्चन के फॉर्म में हो तो एक्स बाय वाई का मोड अगर करोगे तो नोमरेटर में भी मोड लगेगा एंड डिनोमिनेटर में भी मोड लग जाएगा ठीक है और यहाँ पर एक्स वाई हमेशा रियल लेना है ठीक है और वाई कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि आप जानते हो अगर वाई जीरो हो गया तो समथिंग बाई जीरो इज इक्वल टू तो इन्फिनीटी सो वो मुश्किल में आ जाएगा वो कोई चीज़ होता नहीं है अब इसी तरह से देखो अगर टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन टोटल का मोड लेंगे तो नोमरेटर का मोड डिवाइडेड बाई डी नोमिनेटर का मोड तो टू का मोड तो आप जानते हो टू ही होता है ना डिवाइडेड बाई मोड ऑफ एक्स माइनस वन हो गया इसी तरह से अगर माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का मोड लिया जाए तो नोमिनेटर का मोड डिवाइडेड बाई डी नोमिनेटर का मोड दैट्स वाई मोड ऑफ माइनस टू इक्वल्स टू टू डिवाइडेड बाई मोड ऑफ एक्स माइनस वन ठीक है दिस इज वेरी सिंपल टू एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मॉड ऑफ एक्स टू पावर एन मोड ऑफ मोड ऑफ मतलब मोड ऑफ एक्स टू पावर एंड इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का पावर एंड ठीक है मतलब इसमें क्या था कि x पर पावर n है उस पर आपने मोड लगाया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोड ऑफ x टू द पावर n, वेर n इज़ द मेंबर ऑफ होल नंबर ओके जैसे अभी आप एक्स क्यूब का मॉड लगा दो तो इसको मोड x का क्यूब भी लिख सकते हैं मोड ऑफ x पर पावर फोर लगा दो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पहले मोड लिख लो फिर पावर फोर लगा दो तो ये सब प्रॉपर्टी सेम है राइट right? ओके okay. अभी आपको ये भी पता होगा कि अगर हम माइनस ऑफ एक्स में मोड लगाएं तो वो उतना ही होगा जितना प्लस ऑफ एक्स के मोड का वैल्यू होगा मैनी वर्ड इसको पता है क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल एक्स इज़ द मैंबर ऑफ आर कैसे पढ़ेंगे फॉर ऑल एक्स इट इज़ द मेम्बर ऑफ आर ऐसा मतलब x के सारे वैल्यू जो कि रियल नंबर से रिलेटेड हैं उसको यहाँ रख दिया जाए तो सेटिस्फाई करेगा ठीक है अब देखो जैसे माइनस टू का मोड अगर आपने अपने लिया तो ये मोड ऑफ टू के बराबर इक्वल्स टू टू ही हो क्योंकि इसका वैल्यू टू है इसका वैल्यू भी टू है इसी तरह से सिक्स का मॉड उतना ही होगा जितना माइनस सिक्स का मोड होगा एंड ऑल दीज आर इक्वल टू सिक्स ठीक है तो ये आपके पास फोर प्रॉपर्टीज़ हुई आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इफ मॉड एक्स इक्वल्स टू के लिखा हुआ है कहीं पर और आपको एक्स का वैल्यू चाहिए तो जैसे ही ये मोड से बाहर आएगा ना तो एक्स के दो वैल्यूज होंगे एक प्लस में भी एक माइनस में भी ठीक है जैसे अगर मोड ऑफ एक्स इक्ल्स टू तो टू तो लिखा हुआ है तो एक्स का क्या वैल्यू होगा प्लस टू भी और माइनस टू भी क्यों क्योंकि अगर आप माइनस टू यहाँ रखोगे तो माइनस टू का मोड भी टू देगा और प्लस टू यहाँ रखोगे तो इसका भी मोड कितना देगा टू देगा राइट सो वेन मोड एक्स इक्वल्स टू सम जब ये एक्स मोड से बाहर आएगा देन इट विल टेक टू वैल्यूज प्लस वैल्यूज़ एंड माइनस वैल्यूज इज वैल्यू राइट सो देखो ये देखो टू एक्स माइनस वन का मोड इक्वल्स टू थ्री है जिसके दो केस बनेंगे एक जब ये फंक्शन मोड के बाहर आएगा तो इसका इक्वल टू प्लस में आएगा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस भी होगा तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करो तो देखो ये फोर डिवाइडेड बाई टू टू वैल्यू आएगा और ये माइनस होकर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन मतलब एक्स इक्वल्स टू माइनस वन भी इसको सेटिस्फाई करेगा और x इक्ल्स टू टू भी इसको सेटिस्फाई करेगा चलो चेक करते हैं x का वैल्यू अगर टू रख दिया जाए तो फोर माइनस वन थ्री थ्री का मोड थ्री हो रहा है बिल्कुल सही है x इक्ल्स टू माइनस वन रखो तो माइनस वन इंटू टू माइनस टू माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री का मोड कितना थ्री यानी कि x इक्ल्स टू टू एंड x इक्ल्स टू माइनस वन विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ठीक है इसी तरह से देखो अगर x माइनस फोर का मोड इक्ल्स टू टू है तो ये मोड जब बाहर आएगा मोड से तो दो केस बन के आएगा एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू प्लस टू एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस टू सो वेन इवर इट इज सिम्पलीफाइड इट इज एक्स इज इक्वल टू सिक्स एंड इट इज एक्स इज इक्वल टू टू करेक्ट अब आप पुट करके यहाँ पर चेक कर सकते हो जो आंसर आया आपका सही की गलत देखो सिक्स अगर यहाँ पुट करते हो तो सिक्स माइनस फोर टू आएगा टू का मॉड टू होता है बिल्कुल सेटिस्फाइड है एक्स इक्ल्स टू टू आप जब पुट करोगे तो टू माइनस फोर माइनस टू का मॉड फिर से कितना आएगा टू दैट्स वाई एक्स इक्ल्स टू टू एंड एक्स इक्ल्स टू सिक्स इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन ठीक है अब आप सोचो कि अगर आपसे ये कहा जाए कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनी निगेटिव नंबर जैसे मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इज इट पॉसिबल और नॉट मोड हमेशा क्या होता है एक पॉजिटिव नंबर होता है ठीक है अब पॉजिटिव कभी निगेटिव के बराबर नहीं हो सकता दैट्स वाई वेन यू आर मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनी निगेटिव नंबर देयर विल बी नो एनी सोल्यूशन सो इसका आंसर डायरेक्ट लिखना क्या है आपने को नो no सोल्यूशन ठीक है ना अब चलो एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता हूँ जैसे ये है कि अगर कहीं एक्स स्क्वायर लिखा हो तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर से ठीक है क्योंकि एक्स स्क्वायर हर हाल में पॉजिटिव होगा एंड मॉड एक्स इज आल्सो पॉजिटिव सो पॉजिटिव का स्क्वायर इज द पॉजिटिव नंबर सो ये दोनों एक वैलेंट चीज़ है आप एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर से एंड मॉड ऑफ एक्स के होल स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं एक्स स्क्वायर से ठीक है तो so देखो अभी आपके पास एक क्वेश्चन है कि सॉल्व करो एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इक्ल्स टू जीरो अब इसमें देखो क्या है इधर मॉड नहीं लगा हुआ इधर मॉड लगा हुआ है हम क्या करते हैं सबसे पहले जहाँ पॉसिबिलिटीज है मॉड में कन्वर्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज रिप्लेसड बाई मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स माइनस थ्री इसको मैसेज लिख सकते हैं अब आप क्या करो कि मॉड एक्स को सपोज मान लो कि कुछ टी है टी है ओके okay? तो ये क्या लिखाएगा टी स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस टू टी माइनस थ्री इसको फैक्टराइज कर सकते हैं टी माइनस थ्री टी प्लस वन इतना इक्वल्स टू जीरो तो टी का क्या क्या वैल्यू आएगा एक तो थ्री आएगा और जब आप इसको जीरो करोगे तो टी का वैल्यू माइनस वन होगा अब टी किसका वैल्यू हमने लिया था मॉड एक्स को डिफाइन किया था टी से सो मॉड ऑफ़ एक्स इज इक्वल टू थ्री और एक आएगा मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अभी आपने अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि मोड ऑफ़ समथिंग इज इक्वल टू अगर निगेटिव हो तो ये क्या बताएगा नो no सोल्यूशन इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा ठीक है ये पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री होगा तो इसके दो वैल्यूज होंगे एक प्लस थ्री है एक माइनस थ्री सो इसके दो सोल्यूशन हुए प्लस थ्री एंड माइनस थ्री कभी कभी इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड दी नंबर ऑफ सोल्यूशंस मतलब इसके कितने पॉसिबल नंबर्स होंगे जो इसका सोल्यूशंस होगा ठीक है तो इसके दो पॉसिबल वैल्यूज हुए एक्स के प्लस थ्री एंड माइनस थ्री ये दोनों सोल्यूशन है ठीक है इसलिए आप यहाँ भी लिख ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसलिए नंबर ऑफ सोल्यूशन्स आर टू कौन कौन एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री दीज आर द सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज टू ओके ठीक है तो ये सारे प्रॉपर्टीज आप समझ गए अब आप देखो अभी हमने सिर्फ इक्वालिटी पर बात किया था अब हम इनिक्वालिटी पर बात करेंगे ठीक है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत समझने की चीज़ है इसी में इंटरवल का अपना यूज़ होगा जो इंटरवल के बारे में हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट वीडियो में तो इसमें क्या है कि अगर आपसे कहें ये लिखा रहे कि मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन के ठीक है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन के तो क्या करो माइनस के प्लस के लिखो और अगर लेस देन की बात करें तो दोनों के बीच में जाओ दोनों के बीच जितने नंबर्स होंगे वो सोल्यूशंस होंगे अभी इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है इसलिए मैंने इस एक्सट्रीम पॉइंट्स को ओपन सर्कल में रखा अगर यहाँ इक्वालिटी लगा होता तो इसको भी डार्क कर देते मतलब ये पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है जो कि इधर मैंने डिस्कस किया है तो मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के अगर होगा तो माइनस के और प्लस के के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग माइनस के एंड प्लस के सो इट कैन बी रिटर्न लाइक एक्स इज़ द मेम्बर ऑफ माइनस के टू प्लस के ओके सो इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस के से ग्रेटर एक्स लेस देन इक्वल टू के ऐसे ये सारे फॉर्मेट लिखने के ये आपने इंटरवल्स में पहले पढ़ लिया था ठीक है और इसको लिखने का क्या ये दोनों जब अगर हमने एक्सक्लूडेड किया हुआ है पॉइंट्स को तो इस पॉइंट्स पर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे एंड नॉट इक्वालिटी साइन नहीं देंगे यहाँ पर है ना सिर्फ सिर्फ इन इक्वालिटी साइन होगा अभी आप देखिए देखो इसको सॉल्व करना सपोज मॉड ऑफ एक्स लेस देन टू तो अपन क्या करेंगे माइनस टू और प्लस टू लेंगे इक्वालिटी नहीं है दैट्स वाई दोनों पॉइंट पर ओपन सर्कल होगा और दोनों के बीच के सारे नंबर सो माइनस टू से ग्रेटर देन एक्स लेस देन टू सो इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंगिंग टू माइनस टू से टू दीज टू पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड इसमें कैसे लिखेंगे माइनस फोर से प्लस फोर इसके बीच के सारे नंबर्स सो so -4 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4 दैट्स व्हाई एक्स बिलोंगिंग टू -4 से 4 स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज लगाएंगे ना क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करेंगे अभी इसमें ऐसे समझो कि मोड ऑफ एक्स माइनस ठीक है मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री है एक्स माइनस वन का मोड लेस देन इक्वल टू 3 तो जो मोड के अंदर होता है वो uh, उस चीज़ को देखो माइनस थ्री और प्लस थ्री के बीच जो मोड के अंदर है उसको रखेंगे ठीक है यहाँ जो भी होगा उसको माइनस थ्री और प्लस थ्री के बीच रखेंगे अब इसको सॉल्व करो देखो सॉल्व करो तो क्या होगा अभी वन 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 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस टू ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा फोर ठीक है अब इसको कैसे ले सकते हैं एक्स बिलोंगिंग टू माइनस टू से फोर क्लोज ब्रैकेट क्योंकि इक्वालिटी साइन दिया हुआ है सो तो इसका आंसर क्या होगा माइनस टू से प्लस माइनस टू से प्लस फोर एंड दीज पॉइंट्स आर इंक्लूडेड एंड ऑल द नंबर बिटवीन देम ये सभी के सभी होंगे ठीक है अभी इसमें देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मोड टू एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू फाइव क्या लिखेंगे माइनस फाइव से प्लस फाइव और मोड के अंदर जो था उसको बीच में रखेंगे ठीक है अब इसमें फिर से वन 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 कर दो माइनस फोर हो जाएगा ये टू एक्स हो जाएगा सिक्स अब टू से डिवाइड कर दो तो माइनस टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री तो क्या है माइनस टू और थ्री के बीच का नंबर तो माइनस टू और थ्री इसके बीच के सारे नंबर्स इक्वालिटी है इसलिए इन पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे अपन ठीक है तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंगिंग टू माइनस टू से थ्री दिस आर द दोल्यूशन ठीक है अब ये तो आपने देखा कि इन इक्वालिटी में हमने लेस देन इक्वल टू वाला सीखा ठीक है अभी अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो कि ग्रेटर देन या इस तरह से कुछ हो तो क्या करेंगे ठीक है जैसे ये है आपके पास कॉन्सेप्ट इसमें अगर आपको देखना हो कि इफ़ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन के ओके मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अगर के होगा तो क्या कर सकते हैं सोचो तो जरा दिमाग लगाओ तो इसमें क्या करना चाहिए अपने को कि ये भी रखेंगे माइनस के से के लेकिन क्या के से ग्रेटर रहा है तो के से ग्रेटर इधर होगा माइनस के से लेस देन इधर होगा मतलब इसके इस तरफ दोनों के तरफ चलेंगे इधर से इस तरफ एंड इधर से राइट की तरफ सो so, ये क्या होगा एक्स इज लेस देन माइनस के एंड इट इज एक्स इज ग्रेटर देन के इसको लिखेंगे कैसे एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस के ओपन ब्रैकेट बिकॉज इट इज़ नॉट इक्वल टू के एंड इट इज के टू अप टू इन्फिटी ओके इफ इक्वालिटी साइन इज गिवन देन ये दोनों पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होगा ठीक है तो इसको लिख सकते हैं एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस के एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के सो इन इंटरवल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिटी टू माइनस के क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ऑफ के टू इन्फिटी क्लियर अभी इसका शोल्यू देखो कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू हो तो माइनस टू प्लस टू पहले लिख देंगे लेकिन दो से ज़्यादा चाहिए तो इधर और इधर दोनों का लेंगे वैल्यू सो so, इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिटी से माइनस टू Close bracket union 2 से इन्फिनिटी टू पर close bracket no problem okay अभी आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर mod ऑफ x -2 greater than four hota, hai, minus टू ग्रेटर देन 4 होता तो फिर क्या लिखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो minus फोर से छोटा होगा और यही वैल्यू 4 से ज़्यादा होगा तो इसको देखो x minus टू less than minus फोर और is minus two, greater than फोर सो इसका वैल्यू कितना होगा minus टू और इसका value देखो ये इधर जाएगा 6 हो जाएगा यानी minus दो से लेस देन एंड 6 से ग्रेटर देन माइनस टू से लेस देन सिक्स से ग्रेटर देन इक्वलिटी साइन है नहीं इसलिए इस पॉइंट्स पर अपन ओपन ब्रैकेट रखेंगे इसको कैसे लिख है सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू ओपन ब्रैकेट यूनियन सिक्स टू इन्फिनिटी इस पर भी ओपन ब्रैकेट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोड ऑफ टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव ठीक है तो इसमें क्या होगा कि ये जो है ये माइनस फाइव से छोटा होगा और यही प्लस फाइव से ग्रेटर होगा ठीक है तो ये दो कंडीशन आएंगे इसको सॉल्व कर दो टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू तो ये इधर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा और टू एक्स इधर जाएगा तो एट हो जाएगा ठीक है तो ये देखो x लेस देन माइनस वन हो गया और ये x ग्रेटर देन फोर हो गया मतलब माइनस वन से छोटा चाहिए अपने को और फोर से ग्रेटर चाहिए राइट तो इसको कह सकते हैं x बिलोंगिंग टू इन माइनस इन्फिनिटी इज माइनस वन क्लोज ब्रैकेट यूनियन फोर टू इन्फिनिटी फोर पर क्लोज ब्रैकेट नो प्रॉब्लम ठीक है यहाँ तक आप समझ गए अब आप चलो एक और इंटरेस्टिंग इनिक्वालिटी के बारे में समझते हैं कि अगर अभी इस फॉर्मेट में हो कहानी कुछ ऐसा ठीक है देखो ऐसा है यह है कैसा कि a लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन इक्वल टू b अभी क्या है ए बी के बीच में मॉड एक्स एक्स रखा हुआ है तो इसको कैसे समझेंगे कि इसको ऐसे समझो पहले ये जो ए बी है ना पॉजिटिव वाला उसको इधर रखो फिर एक जीरो रखो और इसका निगेटिव इधर रखो इसका निगेटिव इधर रखो ठीक है और इस दोनों के बीच का नंबर लो और इस दोनों के बीच का नंबर लो ठीक है इक्वालिटी है इसलिए दोनों ओपन क्लोज सर्कल ठीक है डार्क सर्कल में जाएगा तो ये देखो इसके बीच वैल्यू और ए के और बी के बीच वैल्यू तो इसको कैसे लिखेंगे एक्स बिलोंगिंग टू माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी ऐसा ठीक है तो इस इंटरवल को अपन कैसे लिख सकते हैं माइनस बी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए इसको यूनियन को और लिखेंगे ना और ए से बी कर कैसे लिखेंगे ए लेस देन लेस देन एक्स लेस देन बी ऐसे लिखेंगे ठीक है ना ओके तो अभी जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है ये समझ लो कि टू लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री तो अभी आप क्या करो पहले टू थ्री को इधर रख लो फिर इसका निगेटिव इधर रखो इसका नेगेटिव इधर रखो, रखो ठीक है तो माइनस थ्री से माइनस टू तक लेंगे और टू से थ्री लेंगे, लेंगे इसको लिख दिए डायरेक्ट इसको ऐसे भी ले सकते हैं ठीक है इसी तरह से अगर मान लो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर मैं करूँ कि भाई अगर ऐसा हो इस टाइप का तो इस टाइप का कैसे होगा तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस वन से अगर मान लो क्वेश्चन है कि माइनस वन से लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन एंड लेस देन इक्वल टू थ्री तो आप क्या करोगे ये जो वैल्यू है ठीक है ये वैल्यू माइनस थ्री और माइनस वन के बीच ठीक है क्योंकि जो भी होगा वो कैसा होगा पहले तो जीरो लेंगे इधर वन और थ्री लेंगे ठीक है और इधर क्या लेंगे माइनस वन और ये माइनस थ्री तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है मतलब मोड के अंदर जो है वो माइनस थ्री और माइनस वन के बीच वाला आएगा एक ठीक है इसके बीच और एक आएगा वन और थ्री के बीच तो यही किया हुआ है माइनस थ्री से माइनस वन के बीच में एक्स माइनस वन है और वन और थ्री के बीच में एक्स माइनस मतलब जो भी मोड के अंदर है ना उसमें ये प्रॉपर्टी अपन लगाएंगे तो यहाँ पर देखो एक्स अगर निकालना हो तो क्या करेंगे वन वन एड कर देंगे तो माइनस टू लेस देन जीरो सो एक्स बिलोंगिंग टू माइनस टू से जीरो और इधर अगर वन ऐड करोगे आप तो टू और ये फोर के बीच आ जाएगा सो एक्स बिलोंगिंग टू टू और फोर सो कलेक्टिव आंसर क्या लिखेंगे दिस यूनियन दिस सो माइनस टू से जीरो यूनियन टू से फोर ये सभी सेटिस्फाई करेंगे इसको ठीक है एक और क्वेश्चन समझ लो एक और क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए आ, कि वन मोड ऑफ एक्स लेस देन टू है तो इसमें देखो इनक्वलिटी है ओनली है ना इक्वालिटी नहीं था तो इसमें क्या करेंगे इस दोनों पॉइंट्स पर ओपन ब्रैकेट रखेंगे ठीक है ओपन सर्कल मतलब तो इसको क्या लिखेंगे माइनस टू से माइनस वन ओपन ब्रैकेट यूनियन वन से टू ओपन ब्रैकेट इसको आप ये भी लिख सकते हैं माइनस टू इज लेस देन एक्स लेस देन माइनस वन और वन इज लेस देन टू लेस देन वन से ग्रेटेड एक्स लेस देन टू ठीक है तो ये कुछ भी अपने को जो लिख रहे हैं बिल्कुल इसको सेटिस्फाई करेगा यहाँ के कोई भी नंबर्स को आप लेके उठा के इसमें पुट करेंगे बिल्कुल सेटिस्फाई कर ठीक है तो इस तरह से ये सॉल्यूशन करने अपने को आ गया ठीक है अब इससे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कैसे बन सकता है वो देखते हैं अभी आपके पास एकदम बेसिक से अपने को बात करना है कि जो हमने पढ़ा है है ना उसका एप्लीकेशंस कैसे होगा ठीक है अभी आप समझो कि हमने पढ़ा था कि मोड एक्स कैसे डिफाइन था मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वैन यूवर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड माइनस एक्स वैन यूर एक्स इज लेस देन जीरो ओके सो अभी ये सिर्फ मोड मतलब x के लिए वैलिड नहीं है यहाँ पर कोई भी फंक्शन अगर uh, x को रिप्लेस कर दो एफ एक्स से कोई भी फंक्शन से फंक्शन का मतलब जैसे एक्स एक्वायर प्लस वन टू एक्स प्लस थ्री सब कुछ भी ओके okay? तो अगर x को रिप्लेस करते हो आप मोड एफ एक्स से तो ये लिखाएगा कि मोड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वेन यूवर एफ एक्स इज़ पॉजिटिव मोड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स वेन यूवर एफ एक्स इज़ लेस देन मतलब आपने क्या किया यहाँ पर x को हमने रिप्लेस किया एफ़ ऑफ एक्स है तो जहाँ जहाँ इसमें एक्स लिखा हुआ है वहाँ वहाँ एफ एक्स लिख दो ठीक है तो ये आ गया कंडीशन अब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि मॉड ऑफ़ एफ अगर एफ एक्स के बराबर होता है तो ये तब पॉसिबल है जब एफ़ एक्स पॉजिटिव हो रहा था ठीक है और मॉड ऑफ एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स अगर कहीं लिखा हो तो इसका मतलब ये तब पॉसिबल है जब एफ़ एक्स इज लेस देन जीरो बात समझ में आ रहा है ठीक है मतलब अगर कहीं पर भी मोड ऑफ समथिंग बराबर वही फंक्शन लिखा हो तो समझ जाना कि ये जरूर पॉजिटिव नंबर रहा होगा पॉजिटिव रहा होगा और जब एफेक्स इजिकल टू माइनस ऑफ एक्स लिखा हो तो समझ जाना वो निगेटिव रहा होगा और एक चीज़ और मोड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर एक्स लिखा हुआ हो तो समझो कि एफेक्स लेस देन जीरो है अब इस चीज़ को हम समझते हैं थोड़ा मान लो कि एक एक नंबर से समझते हैं ये जो मैंने लिखा है वो सही है कि गलत है ये कैसे समझा जा सकता है इन चीज़ों को जैसे आप मान लो कि जैसे एक्स इज़ इक्ल टू टू कोई चीज़ है ठीक है तो इसका जो मोड होगा क्या ये वही चीज़ होगा देखो ये कंडीशन फुलफ़िल कर नहीं अगर एफ एक्ट्स के जगह पर टू रखा हुआ है तो मोड ऑफ टू इज टू टू कब आ रहा है जब ये नंबर पॉजिटिव था जो कि ये बता रहा है ये पॉजिटिव के केस में ही ये पॉसिबल है ठीक है अभी x इज एकवल टू माइनस टू है समझो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि माइनस टू का मोड इक्वल टू क्या आ रहा है टू आ रहा है इस टू को अपन क्या लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस टू यानी कि अगर आप माइनस टू को अगर एफ एक्स पकड़ते हैं तो यहाँ पर एफ़ एक्स लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ एफ एक्स देखो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है माइनस टू को हमने क्या माना माइनस टू को हमने माना एफ एक्स मान लो ठीक है तो ये क्या हो गया मोड ऑफ एफेक्स इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एफेक्स क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और ऐसा तब हो रहा है जब ये खुद अपने आप में एक निगेटिव नंबर रहा है ठीक है तो ये भी पॉसिबल है और ये जो कंडीशन है जो यहाँ पर आपने देखा कि मोड ऑफ़ समथिंग इज़ ग्रेटर देन एफेक्स जैसे अभी ऐसे समझो कि अगर एक्स का वैल्यू हमने माइनस टू लिया ठीक है तो इसका जो मोड होगा इसका जो मोड होगा क्या वो ग्रेटर होगा माइनस uh, टू से बिल्कुल सही है क्योंकि ये टू होगा तो टू ग्रेटर देन माइनस टू होता है क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है देखो मोड ऑफ समथिंग अगर ग्रेटर ऑफ वही नंबर है क्योंकि ये मैंने एफ एक्स माना हुआ है तो मोड ऑफ़ एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स क्योंकि इसको आपने एफ एक्स माना ये कब संभव था जब वो एफ एक्स खुद निगेटिव नंबर रहा होगा ठीक है यानी जब कोई नंबर निगेटिव हो तो उसका मॉडलस हमेशा उस नंबर से ज़्यादा होता है कहने का मतलब यही है ठीक है तो आप एक नियम बना लो मतलब कि एक जनरल नियम क्या हो सकता है कि मोड ऑफ एफेक्ट्स इज ग्रेटर देन एफेक्ट्स होगा ये तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन खुद से निगेटिव रहा होगा ठीक है तो ये तीनों अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है और इसको अपन ऐसे करके समझ सकते हैं आप भी कोई कोई नंबर लेके चेक करो हमेशा सही आएगा ठीक है तो इस तरह से हमने देखा अभी इस पर एक क्वेश्चन करते हैं ठीक है जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है देखो कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस सिक्स ये क्या है अगर इसको आप एफ एक्स पकड़ते हो तो ये मोड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स यानी मोड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का था जब एफ एक्स पॉजिटिव था है ना तो ये पॉजिटिव मतलब ये चीज पॉजिटिव होना चाहिए तभी सॉल्यूशन हो सकता है तो इसको अगर फैक्टराइज करो तो क्या होगा एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्रीटर देन इक्वल टू जीरो अब इसमें साइन साइन स्कीम लगा दो बेबी कर मेथड जो हमने पढ़ा था नेक्स्ट पिछली वीडियो में तो इसमें क्या होगा देखो इसका रूट क्या हो? टू और इसका रूट थ्री अब ये इक्वलिटी साइन इसलिए दोनों डार्क सर्कल में आएगा और फिर ये कर्व कैसे जाएगा क्योंकि ये सभी पर फंक्शन इसलिए चेंज करते हुए चला जाएगा अब ये चीज़ बोल रहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव यहाँ हो रहा है पॉजिटिव यहाँ हो रहा है इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन थ्री से इन्फिनिटी तो ये आ गया बात समझे तो ये हो गया सॉल्यूशन इसका ठीक है इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें ये लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस फोर का मॉड इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर ठीक है इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इसको माइनस अगर इससे निकालने तो ये भी एक्स एक्वायर माइनस फाइव एक्स अब इसको अगर आप पुट कर दो एफ एक्स तो क्या हो जाएगा मोड ऑफ एफ एक्स इज टू माइनस ऑफ एफ एक्स ठीक है और मोड ऑफ एफ एक्स इज टू माइनस ऑफ एफ एक्स कब होता था जब एफ एक्स खुद निगेटिव नंबर रहा होगा ठीक है ना तो ये एफ एक्स निगेटिव मतलब इसको अपन निगेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फो लेस देन जीरो इसको फैक्टराइज करो एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो फिर से वेविकर मेथड लगा दो इसमें देखो वन और फोर इक्वालिटी नहीं है इसलिए ओपन सर्कल होगा और यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव अपने को निगेटिव चाहिए इसलिए हम लिखेंगे कि x बिलोंगिंग टू वन से फोर ओपन ब्रैकेट बिकॉज देर इज नो इक्वालिटी साइन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगर आपसे ये कहा जाए कि मोड ऑफ़ एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टूएल्व इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टूएल्ल राइट तो ये कैसा फंक्शन है अगर आप इसको एफ एक्स पकड़ते हो तो ये मोड ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स हो गया और ऐसा अभी तब पॉसिबल था किसी भी नंबर का मॉडलस फंक्शन ज़्यादा हो इसका मतलब खुद निगेटिव रहा होगा है ना तो एफ एक्स निगेटिव होगा यानी कि इसको आप निगेटिव करेंगे मतलब ये हुआ कि इसको अगर आप फैक्टराइज कर दो तो ये आएगा देखो एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो क्योंकि इसका फैक्टर ये होगा अब इसमें फिर से देखो थ्री और फोर इसके रूट्स होंगे तो इस तरह से जाएगा कर ग्राफ और निगेटिव चाहिए तो इसके बीच में ही निगेटिव होगा ठीक है यानी एक्स बिलोंगिंग टू थ्री टू फोर ओके अब ये जो अभी डिस्कस करने वाला हूँ मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है अब इसको समझने के लिए अपन क्या कर सकते हैं ये समझते हैं ना इसको कैसे समझा जा सकता है इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे समझो कि इसमें हमारे पास फोर कंडीशंस हैं मतलब इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई तो इसमें देखो एक इनइक्वालिटी का साइन है एक साथ साथ इक्वलिटी का साइन तो कह रहा है कि इक्वलिटी होल्ड तब करेगा जब एक्स और वाई जो मोड के अंदर है एक्स और वाई ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो यह इक्वल टू जीरो और इनिकवालिटी साइन होल्ड तब करेगा जब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव हो ठीक है मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ एक फंक्शन होगा यहाँ एक फंक्शन होगा इस दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन हमारा पॉजिटिव आ जाए तो वो इक्वालिटी साइन को फॉलो करेगा मतलब दिस इक्वल्स टू दिस ठीक है और दिस लेस देन दिस तब होगा जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव होगा ठीक है इसी तरह से मोड ऑफ एक्स माइनस वन ठीक है लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई ऐसा तब होगा अगर इसमें दिस इक्वल्स टू दिस तब होगा जब एक्स वाई लेस देन जीरो होगा और दिस लेस देन दिस तब होगा जब एक्स उसका प्रोडक्ट कितना होगा ग्रेटर देन जीरो इसी तरह से ये भी है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई का मॉड मतलब जैसे कि ये टोटल पॉजिटिव नंबर है इज लेस देन एक्स प्लस वाई का मॉड ऐसा दिस इक्वल्स टू दिस तब होगा जब एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन लेस देन ज़ीरो होगा लेस देन इक्वल टू जीरो और इन इक्वालिटी तब होल्ड होगा जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा ठीक है इसी तरह से ये भी कंडीशन है तो ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है एक्स और वाई ये सिर्फ एक्स वाई के लिए ही वैलिड नहीं है मतलब ये किसी भी फंक्शन के लिए वैलिड है मतलब इसलिए मैंने लिखा है कि गेट इज ऑल्सो वैलिड इन मोर जनरल वे कि एफ एक्स प्लस एफ वाई दो फंक्शन का एडिशन का मोड अगर लेस देन इक्वल टू मॉड एफ एक्स प्लस ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब क्या हुआ कि दिस प्लस दिस का मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस ये इक्वालिटी मतलब सिर्फ इक्वल होना चाहिए ऐसा तब पॉसिबल था जब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ठीक है अब दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो साइन है ना एफ एक्स का भी साइन और जी एक्स का भी साइन दोनों का सेम साइन हो मतलब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव तभी दोनों मिलके पॉजिटिव हो सकते हैं या ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है तभी ये दोनों मिलकर निगेटिव हो सकता है ठीक है अगर ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव हो, तो निगेटिव हो जाएगा या ये ये निगेटिव ये पॉजिटिव होगा तब भी निगेटिव मतलब कि अगर कोई दो चीज़ का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा है इसका साफ मीनिंग ये होता है कि दोनों जो है वो सेम साइन रखता हो या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो ठीक है तो इस तरह से हम सोच सकते हैं अभी इस चीज़ को थोड़ा हम क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल से जैसे आप ऐसे समझो कि मान लो कि एफ़ एक्स का वैल्यू है टू और जी एक्स का वैल्यू है थ्री अभी मैं आपसे कहूँ कि एफ़ एक्स प्लस जी एक्स कितना होगा तो आप लिखोगे टू प्लस थ्री यानी कि फाइव और अलग अलग मोड ऑफ़ एफ एक्स प्लस मोड ऑफ़ जी एक्स इसका वैल्यू कितना होगा ये होगा मॉड ऑफ टू प्लस मॉड ऑफ़ थ्री ये भी आ गया फाइव तो आपने देखा कि इस समय मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ़ जी एक्स को फुलफिल कर रहा है ऐसा फुलफिल इसलिए किया ये क्योंकि इस दोनों का साइन सेम है अगर आप दोनों का साइन निगेटिव रख लो तब भी ये चीज़ फुलफिल हो जाएगा ठीक है एफ़क्स का वैल्यू अगर माइनस टू रख लो तब भी ये चीज़ देखो मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एस का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस टू माइनस थ्री तो इसका वैल्यू माइनस फाइव ये फिर से फाइव हो गया और अलग अलग करो मॉड ऑफ दिस यानी मॉड ऑफ माइनस टू प्लस मॉड ऑफ माइनस थ्री तब भी ये देखो टू प्लस थ्री क्या ये फिर से फाइव हो गया इसका मतलब जब दोनों का साइन सेम है तो वो इक्वालिटी साइन को फुलफ़िल कर रहा है ठीक है ना मतलब इसको फॉलो कर रहा है लेकिन अगर दोनों का साइन अलग कर लो जैसे एफ एक्स को रख लो पॉजिटिव और जी एक्स को रख लो माइनस थ्री ठीक है तो देखो मोड ऑफ़ एफ एक्स प्लस मोड मोड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा टू माइनस थ्री ये कितना आ गया वन लेकिन अलग अलग अगर मोड लगाओगे तो कितना होगा भाई तो इसका वैल्यू अगर देखो तो टू प्लस मोड ऑफ़ माइनस थ्री होगा ठीक है ना माइनस थ्री होगा तो एक्चुअली ये टू प्लस थ्री फाइव हो गया ना तो आपको क्या समझ में आया कि मोड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स ये जो है जो वन आ रहा था ये लेस देन हो जाएगा अलग अलग से है ना एफ एक्स के मोड प्लस जी एक्स का मोड क्योंकि ये तो आ रहा था आपको पाँच ठीक है ना फाइव आ रहा है इसका मतलब मोड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर लेस देन हो रहा है मोड ऑफ एफ एक्स प्लस मोड ऑफ़ जी एक्स से इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ज़रूर अलग अलग साइन के नंबर हैं ये दोनों का साइन सेम नहीं है कोई भी पॉजिटिव हो सकता है कोई भी निगेटिव हो सकता है लेकिन जब दोनों निगेटिव था तब भी ये दिस इक्वल्स टू दिस हो गया और जब दोनों पॉजिटिव था तब भी ये दिस इक्वल्स टू दिस हो गया इसका मतलब है कि दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो हम इस दोनों कंडीशन में ये तो लिख सकते हैं ना कि हमें ये बात समझ में आ गया कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इसलिए क्योंकि अगर जीरो जीरो पुट कर दो तब भी ये सेटिस्फाइड है ना तो ऐसा लिख सकते हैं और इस हाल में क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स हर हाल में निगेटिव होगा एफ एक्स एंड जी एक्स ठीक है तो आपको बात समझ में आ गया अब इससे इस वाले कॉन्सेप्ट को जो, जो मैंने अभी डिस्कस किया है इसको अगर आप पूरे में भी लगा दो ना सभी जगह यूज़ करो इसमें भी यूज़ करके देखो इसमें देखो इक्वालिटी आ रहा है कि नहीं इनिटी आ रहा है कि नहीं आपको सब सेटिस्फाई होगा मतलब आपको पूरे क्लियर हो जाएगा कि कब ये पॉसिबल है और कब नहीं पॉसिबल है इसलिए मैंने एक को समझाने के लिए इतना डिस्कस किया ठीक है अभी इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझो जैसे आपको लिखा हुआ है मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टेन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस मोड ऑफ़ फाइव एक्स माइनस टेन ये लिखा हुआ बोलेगा सॉल्व करो एक्स का वैल्यू निकालो तो आप क्या करना जो अलग अलग है ना पहले उसको एफ एक्स और जी एक्स मान लो तो एक्स एक्वायर माइनस फोर एक्स को एफ एक्स मान लिया फाइव एक्स माइनस इसको जी एक्स मान लिया अभी आप सोचो कि अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा तो देखो एफ एक्स प्लस जी एक्स मैंने किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव माइनस टेन तो इसका वैल्यू देखो एक्स एक्वायर प्लस एक्स माइनस टेन आ गया तो इसका मतलब यहाँ जो लिखा हुआ वो एफ एक्स प्लस जी एक्स का मोड लिखा हुआ है और ये मोड ऑफ एफ एक्स प्लस मोड ऑफ़ जी एक्स यानि कि ये किस को सेटिस्फाई किया फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई किया है ना कि मोड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ़ एफ एक्स प्लस मोड ऑफ़ जी एक्स ये पॉसिबल तब था जब दोनों का सेम साइन आ रहा था यानी कि दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा मतलब ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो अपन साइंस के में पढ़े थे बेबी कर्व मेथड में तो देखो इससे एक्स निकाल लो ये एक्स माइनस फोर हो गया और ये फाइव एक्स माइनस इसके रूट्स क्या हुए जीरो फोर और टेन बाई फाइव यानी कि टू तो जीरो टू और फोर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया फिर देखो सब पर तो ऑड पावर है इसलिए कोई टेंशन नहीं सीधा अल्टरनेट वे में चला जाएगा तो चाहिए क्या पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव यहाँ है और पॉजिटिव यहाँ है ठीक है तो इसका मतलब तो x बिलोंगिंग्स टू जीरो टू तो टू क्लोज ब्रैकेट क्योंकि इक्वलिटी साइन है और यहाँ से फोर से इन्फिनेटी फोर पर क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनेटी पर ओपन ब्रैकेट इसी तरह से अगर क्वेश्चन ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स अब देखो इसको एफ एक्स मान लो इसको जी एक्स मान लो अब देखो ये कैसे आएगा क्या प्लस करने से आएगा कि माइनस करने से आएगा ये, नहीं, ये अपने को चेक करना होता है जैसे इसको अगर प्लस करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा तो ये तो है नहीं लेकिन इसमें अगर इसको माइनस कर दो तो ये अपने आप आ जाएगा देखो एफ एक्स माइनस जी एक्स करोगे तो ये आ गया इसका मतलब ये कैसा कंडीशन है कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू तो मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ ये इक्वालिटी वाला साइन है दिस इक्वल्स टू दिस और ये कब था देखो डिफरेंस का जो ये सेकेंड वाला केस है डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू अलग अलग का मोड तो इक्वालिटी होल्ड कब कर रहा है जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन इक्वल टू जीरो हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन इक्वल टू जीरो करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब एफ एक्स का और जी एक्स का दोनों का वैल्यू रख दिया लेस देन इक्वल टू जीरो कर दिए इसमें से आप एक्स बाहर निकाल लो तो एक्स एक्स माइनस थ्री हो गया और यहाँ टू एक्स माइनस थ्री हो गया तो देखो ये भी क्या है टू अगर बाहर निकालो तो एक्स माइनस थ्री है टू को इधर भेज दो तो जीरो हो जाएगा तो ये सीधा सीधे का जाएगा एक्स एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो अब ये देखो ये जीरो और ये थ्री लेकिन इस पर इवन पावर है इसलिए सेम साइन अप टू यहाँ और जीरो पर ओड पावर था इसलिए निगेटिव हो गया पॉजिटिव से निगेटिव अब इसका मतलब हमें क्या चाहिए था निगेटिव चाहिए तो निगेटिव तो सिर्फ इधर ही है बाकी सब जगह तो पॉजिटिव है यानी एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन से जीरो द आंसर ठीक है एक और क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स माइनस सिक्स लेस देन इक्वल टू सिर्फ लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स का मोड प्लस एक्स माइन अब देखो इसको एफ एक्स मानो इसको जी एक्स मानो तो दिस माइनस दिस करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा मतलब ये आ रहा है मतलब ये क्या लिखा हुआ है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स इज लेस देन मोड ऑफ एफ एक्स प्लस मोड ऑफ जी एक्स मतलब इनिक्वालिटी होल्ड करेगा कब तो उसमें क्या नियम बताया था कि डिफरेंस में इनक्वालिटी तब होल्ड करेगा जब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो ठीक है डिफरेंस में इन इक्वालिटी तब होल्ड करेगा जब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो दोनों का प्रोडक्ट यानी कि एफ एक्स जी एक्स पॉजिटिव होना चाहिए तो एफ एक्स का वैल्यू हमने माना था ये और जी एक्स का वैल्यू माना एक्स प्लस सिक्स पॉजिटिव इससे आप एक्स कॉमन लेते हैं एक्स एक्स माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स पॉजिटिव फिर से ये बेबी कर मेथड से हो जाएगा देखो इसका सॉल्यूशन इसका रूट्स क्या होगा माइनस सिक्स जीरो और फोर और चूंकि इन इसमें क्या इक्वालिटी साइन है नहीं दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे हमें जितने रूट्स है उस पर ओपन ब्रैकेट ओपन सर्कल लेंगे ठीक है तो यहाँ पर ये इस तरह से जाएगा क्योंकि सभी मोड पावर इसलिए अल्टरनेट पॉजिशन में चला जाएगा अब हमें चाहिए पॉजिटिव तो पॉजिटिव इस इंटरवल में है पॉजिटिव इस इंटरवल में तो इसको कैसे लिखेंगे माइनस सिक्स टू जीरो यूनियन फोर से इन्फिनिटी क्लियर अब ये देख लो एक और अच्छा वाला क्वेश्चन कि मोड ऑफ़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस मोड ऑफ सिक्स एक्स माइनस टू इसको एफ एक्स मानो इसको जी एक्स मानो ठीक है तो देखो दोनों का एडिशन करने के बाद ही आ रहा है ये आ रहा है ना इसका मतलब ये कैसा है मोड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स लेस देन मोड ऑफ दिस देखो ये इनईक्वलिटी साइन कब होल्ड कर रहा था दोनों का सम का मोड मतलब ये फर्स्ट वाला केस है ना दोनों का सम का मोड लेस देन अलग अलग का मोड इसमें इनक्वेलिटी कब होल्ड कर रहा था जब दोनों का प्रोडक्ट लेस देन था तो इसमें कर दो दोनों का प्रोडक्ट लेस देन कर दो तो दिस इंटू दिस लेस देन इससे देखो एक्स बाहर आ गया तो एक्स माइनस सेवन इससे सिक्स एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू सिर्फ लेस देन जीरो तो अभी देखो इसका रूट्स क्या आएंगे जीरो इसका रूट्स क्या वन बाई थ्री इसके रूट्स क्या आएंगे सेवन तो आएंगे ऐसे अल्टरनेट जाएंगे क्योंकि सभी पर ओड पावर है तो इस तरह से गए अब आप सोचो कि अपने को क्या चाहिए निगेटिव चाहिए तो निगेटिव इधर है और इधर है तो यानी हम लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिटी से जीरो यूनियन वन बाई थ्री से सेवन ये चीज़ ठीक ये वैलिड हो गया ओके okay. तो इस तरह से हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा और क्या क्या टेक्निक है कैसे हमें किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए ये भी देखा अभी आप हो सकता है फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होगी आपको बट अगर आप इसको ढंग से एक दो बार रिवाइज कर लो बिल्कुल सिंपल चीज़ है कुछ भी नहीं है जिसको इंटरवल का ज्ञान है वो बिल्कुल कर सकता है देखो इसमें अभी इस सारे प्रॉब्लम्स में आपको दो चीज़ की जरूरत पड़ रही थी एक इंटरवल को कैसे लिखना चाहिए तो आपने वो आप पहले सीख चुके हो दूसरा वे भी करव मेथड का यूज जो है वो यहाँ पर दिख रहा है तो वो भी आप सीख चुके हैं सो so, ये इजी है आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल है ठीक है अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है अगर आप सीख गए हैं तो इसको आप करें पूरा एंड देन सबमिट करके पूरा सबमिट करो ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो सॉल्व द फॉलोइंग मोड ऑफ टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू का मॉड इक्वल्स टू वन एक्स प्लस सेवन का मोड माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का मोड टू दूसरा है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ऑफ मॉड एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो ऐसा मैंने डिस्कस किया था इसके बाद है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन टू टू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन फोर थ्री एक्स माइनस फोर का मोड लेस देन इक्वल टू वन टू एक्स माइनस सेवन का मोड ग्रेटर देन टू सॉल्व करो इसको वन इज लेस देन मोड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन फोर और टू लेस देन मोड ऑफ थ्री एक्स माइनस फोर लेस देन सिक्स उसके बाद देखो ऐसा क्वेश्चन है कि मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ये कैसा है मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स तो क्या कंडीशन लगे वो मैंने बता चुका ये क्या है मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ये भी आप जानते हो मोड ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स ये कब होता है ये भी जानते है? इससे सॉल्व करके एक्स निकाल लो उसके बाद सिक्स नंबर में है कि मोड ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ़ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई दिस दिया है इससे एक्स का वैल्यू निकालना है अपने को फिर यहाँ पर वही है कि मोड ऑफ़ दिस माइनस मोड ऑफ़ दिस इज इक्वल टू दिस तो इसको आप सेट करो कि कौन से फॉर्मेट में ये जा रहा है तो इस फोर चारों क्वेश्चन में वही करना है फॉर्मेट पहले पता लगाओ कि माइनस का फॉर्मेट है कि प्लस का फॉर्मेट है इक्वालिटी तो सब में दिख ही रहा है उसके बाद आप अप्लाई करो कि एफ एक्स इंटू जी एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा डिपेंड्स कंडीशन क्या यहां ठीक है तो आप सॉल्व करो सबको ओके ओके थैंक यू बाय बाय